सो हेलो गाइस, मेरा नाम संजय उत्रा और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मोनेटाइजेशन के बारे में। जी हाँ, एक और वीडियो मोनेटाइजेशन के ऊपर। रिसेंटली हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं मोनेटाइजेशन को लेकर। इस वीडियो में मैं बस वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऑलराइट, ये बस मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब मोनेटाइजेशन को लेकर। अब देखिए, लास्ट वीडियो मैंने बनाया था मोनेटाइजेशन के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मोनेटाइजेशन हमने अपने चैनल का, एक चैनल का किया बेसिकली, और कैसे किया थ्रू एड्स और थ्रू एक्सटर्नल ट्रैफिक। ऑलराइट, थ्रू एक्सटर्नल ट्रैफिक कहने का मतलब ये था। तो उस वीडियो मैंने बनाया और उस वीडियो के बाद ना बहुत सारे लोगों ने मुझसे अप्रोच किया कि मैं उनके चैनल का भी मोनेटाइजेशन करूं। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा कोर्स लगा है, हमारा ऐड कोर्स लगा है, और मैं कोई अपनी सर्विसेज नहीं बेच रहा हूं, लेकिन मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं ताकि आप लोग भी खुद से ये कर सको, ना कि मेरे से ये कर सको। चलो, बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल्स थे, जिनके बड़े चैनल से, उन्होंने अप्रोच किया कि आप हमारे लिए करो। तो उस वक्त तक, उस वीडियो को देखने के बाद, जो हमारे ऑफलाइन क्लाइंट्स थे, क्योंकि वो हमारे चैनल को देखते हैं, उन्होंने भी मेरे से अप्रोच किया। तो अभी तक हमने विद द सेम स्ट्रेटजी, हमने विद द सेम स्ट्रेटजी यानी कि एक्सटर्नल ट्रैफिक, हमने 10+ यूट्यूब चैनल्स को मोनेटाइज कर दिया है। जी हाँ, 10+ यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर दिया विद द सेम स्ट्रेटजी। अब वो स्ट्रेटजी क्या है कि 7 दिन के अंदर हम आपका वॉच टाइम कंप्लीट कर देते हैं विद द एक्सटर्नल ट्रैफिक। ऑलराइट, तो ये स्ट्रेटजी, और कुछ फेक नहीं, ओरिजिनल वाली बात कर रहा हूँ। एड कॉस्ट लगता है, एड एड के थ्रू, ठीक है, गूगल एड्स नहीं। तो ये सब हमने करके किया। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ। 10+ यूट्यूब चैनल तो जो है मोनिटाइज हो गए, लेकिन टोटल हमारे पास 12 यूट्यूब चैनल्स थे, जिसमें से 10 ही हुए, 2 अंडर रिव्यू में फंस गए, और अंडर रिव्यू में फंसे भी और फंसने के बाद रिजेक्ट भी हुए। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो एक्सटर्नल ट्रैफिक की वजह से फंसे। इसका कारण ये था कि बहुत सारे लोगों ने हमसे मतलब झूठ बोलकर हमसे चैनल मोनेटाइज करवाने की कोशिश की, कि कहा कि हमारा ये ओरिजिनल कॉपीराइटेड, मतलब इसमें कुछ कॉपीराइटेड नहीं है, ये हमारा सब कुछ ओरिजिनल है, आप इस पर वॉच टाइम दे दे दीजिए और कर लीजिए, अपने पैसे ले लीजिए। हमने कहा ठीक है, वैसे तो हम खुद से एक बार चैनल को चेक करते हैं, लेकिन अगर वो पहले कॉपीराइटेड वाली वीडियोस डिलीट कर कर लेकर आ जाए या फिर झूठ बोले हमसे, तो हम कैसे पता करेंगे। अब ये सीन था। और एक चैनल इसलिए फंस गया क्योंकि वो चैनल पर सारा ही कॉपीराइटेड मटेरियल था, लेकिन उस पर कॉपीराइट आए नहीं हुए थे, ठीक है, मतलब वो फेस कैम वीडियोज़ नहीं थी, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ थी, म्यूज़िक भी नहीं, बैकग्राउंड म्यूज़िक चैनल होते हैं ना, वैसा चैनल था, तो वो दूसरे का ही उठाकर डाला हुआ था, इस वजह से वो फंस गया। लेकिन 10 जो यूट्यूब चैनल थे, उसमें से कुछ कुकिंग चैनल थे, कुछ व्लॉगिंग चैनल थे, कुछ प्रोफेशनल चैनल थे, जो फेस कैम बना रहे थे, अपना वैल्यू सीधा सीधा दिखता है कोई भी अगर उनके चैनल को देखे, और वो बहुत ही आराम से स्मूथली एक एक दिन में मोनेटाइज होते गए। मतलब 7 दिन में वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, 8वें दिन उन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद अगले दिन उन्हें मेल आ गया कि आपका चैनल मोनेटाइज, बहुत ही स्मूथली होते रहे। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा। अब भी मैं अपनी इस सर्विस को नहीं बेच रहा हूँ, चाहे तो मैं इस सर्विस को बेच सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं और उन्हें अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है। अब एक तो हुई ये चीज़, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने वो वीडियो बनाई, उसके बाद कुछ लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर कुछ लोगों से पैसा लिया मेरे नाम पर, कि ये मेरा आईडी है कहकर, और कुछ लोगों ने पैसा दे भी दिया। आप ये ना करें। अगर हम आपसे कोई कभी भी पैसा लेंगे, तो मैं पर्सनली आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, या मेरा ओरिजिनल जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। उसके अलावा तो किसी और से कॉन्टैक्ट नहीं करूँगा, या मेरी ओरिजिनल मेल आईडी से करूँगा। तो इतना सा तो चेक करो, कर लिया करो खुद, वरना मत। ऑलराइट, अगर आप मेरा ओरिजिनल फेसबुक आईडी भी अगर आप देखोगे या लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखोगे, वो संजय नूथरा यूज़र नेम के साथ है। वो संजय नूथरा यूज़र नेम किसी और को नहीं मिल सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ले लिया है।
आपको फेसबुक आईडी को देखने से पता लग जाता है कि ये कितना पुराना है, कितना एक्टिव है, तो वो सब देखकर आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो वैसे मैं लिंक्डइन, फेसबुक इन सब पर अच्छे से एक्टिव हूँ, और मेरा यूज़र नेम संजय नूत्रा सिर्फ मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। आप चेक कर लेना, मेरी प्रोफाइल पिक्स ही लगी होंगी, और खुद से भी एक बार थोड़ा सा जान पड़ताल कर कर ही किसी को भी पैसे देना। ऑलराइट, तो ये चीज़ थी और ये हमारा एक्सपीरियंस था मोनेटाइजेशन सर्विस को, मोनेटाइजेशन को लेकर, नॉट सर्विस, ठीक है, ये हमारी कोई सर्विस नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।